भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने से पहले सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। देश में अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में दो बार आयोजित होगी, लेकिन विद्यार्थियों को दोनों परीक्षा में बैठना अनिवार्य नहीं होगा और उन्हें दोनों में जिसमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे उसी आधार परीक्षा परिणाम दिया जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के काला ढूंगी स्थित नालनी क्षेत्र में रविवार देर शाम एक बस खाई में गिर गयी। बस में हरियाणा से आए कम से कम 30 पर्यटक सवार थे। अफगानिस्तान में शनिवार को आए भूकंप की वजह से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भूकंप की वजह से 1320 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, वहीं 135 अन्य घर क्षतिग्रस्त हो गए। साइबर क्राइम इन दिनों काफी चर्चा में है, जिससे अब इसरो भी अछूता नहीं रहा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का कहना है कि देश की अंतरिक्ष एजेंसी हर रोज करीब 100 से अधिक साइबर हमलों का सामना कर रही है। चीफ मार्शल VR चौधरी प्रयागराज में वार्षिक वायु सेना दिवस परेड के दौरान वायु सेना के नए ध्वज का अनावरण किया। 72 वर्षों में पहली बार भारतीय वायु सेना द्वारा इस तरह का अभ्यास किया गया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद अगले साल होने वाले आम चुनाव के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की संभावना नहीं है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हनुमा प्रसाद ने कहा कि आंध्र प्रदेश में देश की पहली बड़ी निजी सोने की खदान में पूर्ण पैमाने पर उत्पादन अगले साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। जोन्नागिरी स्वर्ण परियोजना जिसमें शुरुआती स्तर पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत की बिजली खपत लगभग 8% बढ़कर 847 अरब यूनिट हो गई है। देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी के चलते यह वृद्धि हुई। टाटा ग्रुप की गैर जीवन बीमा कंपनी टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा प्लान टाटा AIG एल्डर केयर लॉन्च किया है, जिनमें कई तरह के होम केयर, निवारक स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती की सुविधाएं हैं। एसटी बस की चपेट में आने से दो भैंसों की मौके पर ही मौत। पुलिस में मामला दर्ज। दुर्घटनाग्रस्त एसटी बस तिरोड़ा थाने में। भैंस के मालिक ने एसटी बोर्ड से मुआवजे की मांग। अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो एसटी महामंडल के सामने आमरण उपोषण की चेतावनी। गोंदिया जिले के तिरोड़ा से गोरेगांव जा रही एसटी बस की कोडो बर्रा गांव के पास टक्कर से दो भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। एसटी बस में यात्री मौजूद होने से बड़ा हादसा टल गया। भैंस मालिक ने दुर्घटना की सूचना तिरोड़ा पुलिस को दे दी है और एसटी बोर्ड से उनकी भैंसों को मुआवजा देने की मांग की है। मुआवजा नहीं मिलने पर तिरोड़ा के एसटी मंडल के समक्ष भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। एसटी ड्राइवर का कहना है कि अचानक भैंस दौड़ते हुए आ गई, जिसके कारण यह हादसा हो गया। तिरोड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच तिरोड़ा पुलिस द्वारा की जा रही है। मी गोरेगाव येत होतो, ते अचानक जंगलातून धावत आल्या, त्याच्यात मी आपले पॅसेंजर प्रवासी वाचवण्याचा प्रयत्न केला। मी कधी इकडे हे केलं असतं तर माझी गाडी पलटली असती, म्हणून मी आपल्या प्रवासाला बचावण्याचा प्रयत्न केला आणि ते एक खटे डायरेक्ट माझ्या गाडीवर धडक दिला।
गोंदिया जिले के दौनीवाड़ा थाना अंतर्गत बोडा गांव में एक दोस्त ने महज 60 रुपए के लिए दोस्त की हत्या कर दी। मृत युवक का नाम आकाश दानवे, उम्र 21 वर्ष है। आरोपी का नाम अल्पेश पटले है। आरोपी अल्पेश पर मृतक आकाश के 60 रुपए बकाया थे। अल्पेश ने आकाश से उधार लिए पैसे वापस मांगे। इस पर आकाश ने कहा कि वह पैसे फोन पे से देगा। इस पर अल्पेश और आकाश दोनों में बहस हो गई। जब अल्पेश उसे पीटने के लिए आगे आया तो मृतक आकाश को धक्का लगा और वह सड़क पर गिर गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया। इसके तुरंत बाद उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दौनीवाड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया और फिर उपजिला अस्पताल तिरोड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन वहां चिकित्सा अधिकारियों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी दौनीवाड़ा पुलिस को दे दी गई है। मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। भंडारा जिले के तुमसा शहर में नगर परिषद द्वारा बनाया गया ओपन जिम और गार्डन एक साल में ही खराब हो गया है, लेकिन कुंभकर्णी नींद में सोया नगर प्रशासन जागा नहीं है। नागरिक या बच्चे सुबह व्यायाम करने कहां जाए, यह सवाल खड़ा हो गया है। तुमसा शहर में नगर प्रशासन ने शहर के मध्य में एक गार्डन बनाया और वहां एक ओपन जिम बनाया गया। यह पेड़ पौधे लगाए गए। इस पार्क में नागरिक सुबह शाम सैर और व्यायाम के लिए आते हैं। इसके लिए नगर पालिका की ओर से व्यायाम सामग्री भी लगाई गई है, लेकिन यह सामग्री फिलहाल खराब स्थिति में है। यहाँ के उपकरण खराब होने के कारण नागरिक इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जल्द से जल्द इन उपकरणों की मरम्मत कराई जाए, ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं। गलत तरीके से बगीचा तैयार करने के कारण बरसात के दौरान बगीचे में पानी जमा हो जाता है। यह ठिकाणची परिस्थिति अशी आहे कि हा ग्रीम जिन या नगर सेवक माजी नगर सेवकांनी बनवलं, नगर पालिका प्रशासनाने बनवलं आणि या ठिकाणी गार्डन पण लावलेलं होतं। या गार्डनची तर दुर्दशा झालीच झाली, परंतु ज्या ठिकाणी मुलं बाळं सकाळच्या वेळेला व्यायाम करतात त्या आणि मुलं खेळतात त्या ठिकाणी आज म्हणजे कम से कम तीन फूट पाणी आहे या ठिकाणी, आणि एवढी दुर्गंधी दशा निर्माण झालेली आहे की इथं उभं राहून होत सुद्धा नाही। हे विनोबानगरवाशांचे एक म्हणजे हे दुर्भाग्य म्हणावं का भाग्य म्हणावं काही समजत नाही। माझा रहिवासी इथंच आहे विनोबानगरला, बावनथडी कॉलनी रोड, आणि हा तुम्ही जो बघताय मागच्या बाजूला, या ठिकाणी मागच्याच वर्षी नवीन निर्मित त्याला बगीचाचा काम चालू करण्यात आला होता आणि त्याला पूर्ण त्रास नेला, मात्र इथं बगीचाचा तुम्हाला कोणताही उद्देश पूर्ण झालेला दिसत नाही। आम्ही वेळोवेळी नगर परिषदेचे CEO साहेब आणि आमचे वार्ड मेंबर गोपचेजी यांना वेळोवेळी सांगितलं की भाऊ इथं भरण जास्त लागते व बगीचा इथं त्यांनी चुकीच्या पद्धतीच्या बगीचाचं बांधकाम केलेलं आहे आणि इथं कुठल्याही प्रकारचा भरण न टाकता इथं त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीचे झाडं एका दिवसात लावले होते। तेही सांगतो एका दिवसाचा पूर्ण बगीचा निर्मिती होऊ शकत नाही आणि आज या ठिकाणी कोणत्याच प्रकारे या मोठ्या झाडांना सोडून कोणतेच फुलझाडं किंवा जे ग्रीन जिम ओपन जिम म्हणून लावण्यात आलेले होते तुम्ही याचे साहित्य बघू शकता। इथं आता 8 दिवसापूर्वी इथं कंबरभर पाणी साचलेला होता। आम्ही या नगरातली लोकांना आजूबाजूच्या लोकांनी JCB लावून स्वतःच्या हाताने तो पाण्याचा निष्कासन केला, मात्र नगर परिषदेनं कोणताही आम्हाला याचा पाठपुरावा केला नाही किंवा कोणताही आमचा त्याचा उपयोग झालेला नाही आहे। तरी याच्यात लवकरात लवकर याच्यात भरणाची व्यवस्था करण्यात येईल। इस स्थान पर चेसिंग बोर्ड वार्म अप उपकरण पिछले कई दिनों से बंद पड़े हुए हैं, इसलिए जो लोग यहां व्यायाम करने आते हैं वे इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्थानीय नागरिकों की मांग है कि नगर पालिका इन सामग्रियों की मरम्मत कराए और ओपन जिम की भी मरम्मत कराकर नागरिकों को राहत दे। भंडारा जिला व सत्र न्यायालय में सोमवार 9 अक्टूबर को बार एसोसिएशन के चुनाव शुरू हो गए हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के पद के लिए उम्मीदवार दावा कर रहे हैं, जिसका मतदान 3 बजे तक रहेगा और फैसला 5 बजे तक आएगा। अब देखना है कौन सी पैनल जीत कर आएगी।
बाल मृत्यु दर और कुपोषण को रोकने के लिए टीकाकरण एक प्रभावी साधन है। जन्म से लेकर सभी बीमारियों से लड़ने के लिए विभिन्न आयु समूह में टीकाकरण से रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा का निर्माण होता है, जिससे स्वास्थ्य विभाग जिले के प्रत्येक गाँव में टीकाकरण सत्र आयोजित करे, कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। यह निर्देश जिलाधिकारी चिन्मय कोतमारे ने नियमित टीकाकरण विशेष मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान के जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में आयोजित बैठक में दिए। प्रसव के 24 घंटे के भीतर शिशु को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना आवश्यक होने से निजी नर्सिंग अस्पतालों को प्रसव के बाद शिशु को हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा कर स्वास्थ्य व्यवस्था में सहयोग करने के निर्देश दिए। जिला मातृ व शिशु देखभाल अधिकारी व अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश सुतार ने जिले में नियमित टीकाकरण विशेष मिशन अभियान की प्रस्तावना रखी। कभी बारिश तो कभी धूप के कारण सब्जियां और धान की फसलें बीमारियों की चपेट में आ रही है। इससे जहां किसानों को कृषि मार्गदर्शन की जरूरत है, वहीं भंडारा जिले में कृषि विभाग में 435 पदों में से 200 पद रिक्त है और एक कृषि सहायक के पास 13 गांव का प्रभार है। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि जिले के कृषि विभाग ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट वरीय स्तर को भेज दी है, लेकिन जिले को रिक्त पदों पर कर्मचारी नहीं मिल पाए हैं। कोई भी ग्राम में कृषि सहायक नहीं है जो किसानों से सीधे संपर्क में हो, इसलिए किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बैंक में एक उच्च पदस्थ व्यक्ति के साथ शादी का प्रलोभन देकर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और बेचने के आरोप में तीनों को 6 अक्टूबर को मुख्य जिला सत्र न्यायालय द्वारा 3 साल के कड़े कारावास और 9,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। सालेकसा तहसील की एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को पिपरिया के आरोपी तारा श्रीराम कुमरे उम्र 40 वर्ष, रवि कुमरे उम्र 29 वर्ष और गुणवंत उर्फ भूरी श्रीराम कुमरे उम्र 33 वर्ष ने फुसलाया। उसी तहसील के एक बैंक में उच्च पदस्थ व्यक्ति से शादी करने के लिए उसे 2 दिनों तक 40 गांव में रखकर बेचने की कोशिश की। इसी बीच उसने मौका पाकर घर वालों को फोन पर इसकी जानकारी दे दी। इस पर सालेकसा पुलिस ने उसकी तलाश की और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक मनोहर इस्कापे ने की। इसी बीच प्रमुख जिला सत्र न्यायाधीश एसडी वानखेड़े ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 3 साल के कड़े कारावास और 9,000 रुपए का जुर्माना और भुगतान ना करने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में 7 गवाहों से पूछताछ की। पीड़िता की ओर से सरकारी वकील पुरुषोत्तम आगाशे और एमएम पालकर ने दलील दी। भंडारात विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यांच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज शौर्य जागरण यात्रा निमित्त जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले। यावेळी क्षेत्र मंत्री गोविंद शिंदे यांनी शिवरायांचे तत्व शौर्य आत्मसात करून नवभारताची निर्मिती करूया असे उपस्थितांना संबोधित केले। हा सोहळा एक प्रकारे राज्यातील शिवप्रेमींचे शक्ती प्रदर्शनच ठरले। विश्व हिंदू परिषदांनी बजरंग दल यांच्या तर्फे शिवराज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्षानिमित्त राज्यात शिवशौर्य यात्रेचे आयोजन केले होते। ही यात्रा गोंदिया जिल्ह्यातून भंडारा जिल्ह्यातील सिहोरा, चांदपूर, सीता सावंगी, चिखला, गोबरवाही, नाका डोंगरी, आष्टी, लोभी, चिचोडी, मिटेवानी वरून तुमसर येथे आली। यानिमित्त तुमसर येथील मातोश्री कॉम्प्लेक्स येथे जाहीर सभेचे आयोजन केले होते। कार्यक्रम स्थळी जिल्ह्यातील विविध भागातून आलेल्या हजारो शिवप्रेमींनी केलेल्या छत्रपती शिवरायांच्या जयघोषाने तुमसर परिसर दुमदुमून गेला।
भोसे प्रकल्प हा भंडारा जिल्ह्याकरिता जितका वरदान ठरला आहे तितकाच स्वतःला प्रकल्पग्रस्त कुटुंबियांचा तारणहार म्हणून घेणाऱ्या आमदार बच्चू कडूकरिताही वरदान बनलेला आहे. आमदार बच्चू कडू यांनी प्रकल्पग्रस्त लोकांच्या मजबुरीचा लाभ राजकारणाकरिता घेण्यास कसलीही कसर सोडलेली नाही. या मुद्द्यावर त्यांनी महायुती सरकारच्या काळात जलसंपदा सारखे मंत्रिपद मिळवून घेतले परंतु प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे हक्क मिळवून देऊ शकले नाही. याच मुद्द्यांवर येत्या 14 ऑक्टोबर रोजी सुरेवाडा येथे आयोजित सभे दरम्यान आमदार बच्चू कडूंनी त्यांच्या जिल्हा प्रमुख अंकुश वंजारी यांच्या गोसेबाधित प्रकल्पग्रस्तांच्या गोसेखुर्द संघर्ष समितीद्वारे घेराव करून जाब विचारण्यात येणार असल्याचे गोसे प्रकल्पग्रस्तांनी आज भंडारा येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. बच्चू कडू आणि अंकुश वंजारी यांनी जे आमच्यासोबत केलं ते प्रकल्पग्रस्तासाठी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तासाठी चांगलं केलेलं नाही. आम्ही त्यांच्याबरोबर 2017 पासून जुळलो आणि सोबत राहिलो. बरेच आंदोलनंसुद्धा झाले. त्यांनी आम्हाला आश्वासनं दिले आणि ते फोल ठरले. उदाहरणार्थ असं की पूर्ण 34 गावांमध्ये लाईनच्या बाबतीत म्हणजे विद्युत बिलांच्या बाबतीत बिल भरायचं नाही, टॅक्स भरायचं नाही, टॅक्स आपण माफ करू, विद्युत बिल भरायचं नाही ते सुद्धा माफ करून देऊ, हे जे बोलण्यात आलं तरी एकही या 3 वर्ष 4 वर्ष आम्ही त्यांची वाट बघितलं, एकही प्रश्न सोडवलेला नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांचा निषेध करण्याचा प्रयत्न म्हणजे आज आम्ही एवढंच सांगू शकतो की ते आमच्या प्रकल्पग्रस्त गावामध्ये येत आहेत, पुनर्वसन गावात येत आहेत, त्यामुळे आमचा विरोध आहे. त्यांनी एकही पुनर्वसनातली समस्या सोडवली नाही आणि त्या गावात येऊन सभा जर घेत असतील तर आम्ही त्यांचा नक्कीच विरोध करू. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. बोरगांव में घटना घटी जहां बड़े भाई ने छोटे भाई की पिटाई कर दी एवं लाठी से मारकर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी. कड़ी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. दोपहिया वाहन से जा रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर मानेगांव पीपलगांव रोड पर हुई. इस घटना में व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक का नाम चिस्टोला निवासी रमेश बकाराम मेश्राम उम्र 48 वर्ष है. नागपुर रोड पर वाही जलाशय के पास भीवापुर से आ रही 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई. इसमें 1 युवक की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना शनिवार शाम करीब 7 बजे की है. सुबह के दौरान चुलबन नदी घाट में अवैध रूप से रेत निकासी एवं परिवहन करते 2 ट्रैक्टर रंगे हाथ पकड़ाए गए. उक्त कार्रवाई 8 अक्टूबर को सुबह 6 बजे के दौरान जिले के LCB पुलिस द्वारा तहसील के तावशी स्थित चुलबन नदी घाट में की गई. बोडा गांव में एक दोस्त ने महज 60 रुपए के लिए दोस्त की हत्या कर दी. मृत युवक का नाम आकाश दानवे उम्र 21 वर्ष है. आरोपी का नाम अल्पेश पटले है. दौनीवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. मवेशियों के लिए चारा कटाई के लिए गए वृद्ध किसान की चक्कर खाने से मृत्यु हो गई. घटना 7 अक्टूबर को सामने आई. मृतक का नाम डोके सरांडी निवासी नीलकंठ दामा निसार उम्र 70 वर्ष है. लाखनदूर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है. तुमसर तहसील के मांडल ग्राम में अंबेडकर वार्ड में खेत की झोपड़ी में बंधी भैंसों की चोरी होने की घटना 7 अक्टूबर को सामने आई. मोहाड़ी पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है. अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के SCN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है. BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है. हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर.